दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अपने YouTube वीडियोस के एंड में आप एंड स्क्रीन कैसे लगा सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं। एंड स्क्रीन आप दोस्तों एक से लेकर चार तक एंड स्क्रीन लगा सकते हैं और वीडियो के 20 सेकंड पहले एंड स्क्रीन लगाई जाती है, वो बाई डिफ़ॉल्ट होती है कि 20 सेकंड पहले ही आप एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। बाद में चाहें तो उसको 10 सेकंड भी कर सकते हैं, 5 सेकंड भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो कैसी है, कहां आप दिखाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुखराज ठाकुर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पुखराज के वीडियोज़। दोस्तों अगर आपको टेक वीडियोज़ में थोड़ा बहुत भी अगर इंटरेस्ट हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चल के समझाऊँगा और क्रोम ब्राउज़र पर समझाऊँगा। डेस्कटॉप मोड में आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, सारी चीज़ें वहीं पे आप सीख सकते हैं और आपको वहीं सिखाऊंगा। अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली से क्रोम ब्राउज़र ओपन करके कंप्यूटर पे इजीली कर सकते हैं अपना YT स्टूडियो ऑन करके। तो सारी बातें करते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे चल के। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैं आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों सिंपली से आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको न्यू टैब पर जाना है। थ्री डॉट्स पर जाएंगे तो दोस्तों न्यू टैब का ऑप्शन आएगा, यहाँ से मैंने क्लिक किया। थ्री डॉट्स राइट हैंड से पे देख रहे होंगे, न्यू टैब का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली से न्यू टैब पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको दोस्तों टाइप करना है यूट्यूब डैशबोर्ड। यहाँ पे टाइप कर लेंगे दोस्तों, कुछ आपके पास इस तरीके का इंटरफेस दोस्तों आएगा। आपको जो सबसे पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है studio.youtube.com, आपको इसी को ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आएगा, ये आपको बता रहा है एप्लीकेशन की आप इसको इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन में करना चाहते हैं या कंटिन्यू स्टूडियो यानी कि डेस्कटॉप साइट पे ये आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपका YT स्टूडियो इंस्टॉल हो ऐप तो उसको अनइंस्टॉल कर देना, नहीं दोस्तों आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, ओपन नहीं होगा। तो कंटिन्यू स्टूडियो पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने दोस्तों इंटरफेस आएगा, डिपेंड करता है आपकी नेट की स्पीड कितनी है। जल्दी नेट की स्पीड तेज़ होगी तो जल्दी खुल जाएगा। और कुछ इस तरीके का दोस्तों आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली से क्या करना है दोस्तों, आप लेफ्ट हैंड साइड पे लोगो देख रहे होंगे मेरा, जहाँ तीन लाइनें बनी हुई उसके नीचे लोगो है, उसके नीचे फिर एक और ऑप्शन है, उसके नीचे आपको YouTube पे क्लिक कर देना है, मतलब कि जो आपकी YouTube की वीडियोस हैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको अपनी वीडियो में ऐड करना है, जिस वीडियो में भी ऐड करना है उसको दोस्तों आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। मैं सबसे ऊपर जो मेरी वीडियो है मैं सिंपली से इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करूँगा अपने, तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। और डिपेंड करता है नेट की स्पीड, और ये मैं थोड़ा सा इसको जूम करना हो तो जूम भी करके देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको एंड स्क्रीन कैसे ऐड करना है। देखिए दोस्तों आपको जहाँ पे ये मेरी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा एंड स्क्रीन कार्ड्स और पब्लिक, इस सारी चीज़ों के नीचे आपको राइट हैंड साइड पर नज़र आ रहा हो, तो यहाँ पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है एंड स्क्रीन के पेंसिल वाले आइकन पर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का दोस्तों आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि आपको जहाँ पे ये दो आपको दिख रहे होंगे एंड स्क्रीन पे टू वीडियोस जो लिखी हुई हैं, आपको दोस्तों सिंपली से आपको इसको इसके ऊपर कर देना है क्लिक। तो आपकी ये दो वीडियो यहाँ पे आ गई हैं। तो दोस्तों आप अंगूठा लेके जाएंगे अगर इसके ऊपर जो आपकी वीडियो है, वीडियो बेस्ट फॉर व्यूअर, तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से सेट कर सकते हो, ऐसे सेट कर सकते हो। दो वीडियो आपने लगा दी, आपको अगर दो वीडियो और लगानी है, थोड़ी सी मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके के आपको इंटरफेस दिखाई पड़ेगा कि आपका चेहरा कहीं 20 सेकंड के अंदर कहीं कटा हुआ नज़र ना आए, तो उस हिसाब से आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, अपनी उंगली इस पर रख के इसको आप हिला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है कि आपको इसमें कोई और वीडियो ऐड करनी है, तो अगर आप चाहें तो दो वीडियो तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट YouTube यहाँ से पिक करके आपको दिखाएगा। आप चाहें तो चॉइस स्पेसिफिक वीडियो पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके बाद जो यहाँ पे एक प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर आप अपनी वीडियोस और यहाँ पे सब्सक्राइबर, चैनल, प्लेलिस्ट, आपको जो कुछ यहाँ पे दिखाना चाहें तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मैं सिंपली से कर देता हूँ अपनी एक वीडियो पे क्लिक। वीडियो पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है कि आपको कौन सा वाला यहाँ पे आपको वीडियो आपको दिखाना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अपनी वीडियो को एडिट कैसे करें मोबाइल से। तो मैं ये वाला वीडियो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है, ये वीडियो यहाँ पे आ गया, ठीक है दोस्तों। तो और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक वीडियो और लगा दूँ, तो आपको फिर से यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे चैनल भी ऐड कर सकते हैं, अपने सब्सक्राइबर भी ऐड कर सकते हैं,
तो मैं अपनी वीडियो ही ऐड करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर मैं कोई एक वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि एक मोबाइल से दो यूट्यूब चैनल कैसे चलाएं, मैं ये वाला वीडियो अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको सेट करके यहाँ पे इसको सेट कर दूँगा। सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक वॉच का मतलब कि प्ले करने का यहाँ पे ऑप्शन है। प्ले करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी वीडियो किस तरीके से दिख रही है। तो मैं यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ, तो दोबारा से इसको प्ले करके देखते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी प्ले हो जाएगी। तो ये प्ले हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि आपका फेस भी बीच में नज़र आना चाहिए और चारों की चारों वीडियो आपकी यहाँ पे इस तरीके से नज़र आ जाए। आप चाहें तो एक लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी लगा के आप बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों अपनी एंड स्क्रीन अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आप एंड स्क्रीन लगाना सीख गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ किसी और धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।